Bismillahir Rahmanir Alaikum my dear students Students, in today's lesson you will learn about subjective poetry and its kinds students poetry ko सब्जेक्ट मैटर की बेस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एक सब्जेक्टिव पोइट्री और दूसरी ऑब्जेक्टिव पोइट्री स्टूडेंट्स इन इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग सब्जेक्टिव पोइट्री के बारे में बात करेंगे और इसकी काइंड्स के बारे में स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है सब्जेक्टिव पोइट्री को एक्चुअली पर्सनल पोइट्री भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली कंसर्नड विद पोइट्स ओन थाट्स एंड इमोशंस इस तरह की पोइट्री में स्टूडेंट्स जो पोइट होता है वो अपने पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है वो इमोशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं सैडनेस के हो सकते हैं, हैप्पीनेस के हो सकते हैं मतलब ये कि वो अपने पर्सनल इमोशंस को डिस्क्राइब करता है इसलिए इसको पर्सनल पोइट्री भी कहा जाता है नेक्स्ट इसके डिफरेंट काइंडस हैं सब्जेक्टिव पोइट्री के जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काइंड जो है वो लिरिक है लरिक ले, एक्चुअली एक शॉर्ट पोएम uh, होती है जिसमें uh, राइ पोइट uh, जो होता है वह अपने पर्सनल फीलिंग्स का इजहार करता है और लेरिक जो है पोइट्री की सबसे कॉमन फॉर्म है सर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस इंसान की नेचर का हिस्सा हैं और इंसान हमेशा से अपने जज्बात की शिदत का इजहार करना चाहता है इसीलिए लेरिक जो है वो शायरी की सबसे एक इनसे कि ओल्ड फॉर्म है क्योंकि जज्बात तो शुरू से इंसान के साथ हैं और जब भी इंसान जज्बा इंसान के जज्बात खुशी के हों नफरत के हों मोहब्बत के हों खौफ के हों वो इन्हें पोइटिक लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है शुरू में स्टूडेंट्स लिरिक का वर्ड किसी भी सॉन्ग के लिए यूज़ किया जाता था जो लायर के साथ गाया जाता था और ये लायर जो है ये एक ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था मगर स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लफ्स सॉन्ग से हटकर किसी भी शॉर्ट पोएम के लिए यूज़ होने लगा जिसमें पोइट अपने पर्सनल फीलिंग्स का इशार करता है तो स्टूडेंट्स यू कैन से कि लेरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम जिसमें जो है वो पोइट uh, अपने फीलिंग्स की इंटेंसिटी एक्सप्रेस करता है और स्टूडेंट्स ना आई विल टेल यू अबाउट सेलियंट फीचर्स ऑफ लेरिक तो जो असेंशियल्स ऑफ अ गुड लिरिक्स हैं उनमें स्टूडेंट सबसे पहली जो असेंशियल चीज़ है वो ये है कि इसकी लैंग्वेज की सिंपलिसिटी लैंग्वेज इसकी सिंपल होनी चाहिए क्यों सिंपल होना होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स लेरिक जो है वो कॉमन पीपल के लिए लिखी जाती है सो लैंग्वेज शुड बी सिंपल ताकि इसे हर कोई समझ सके और इंजॉय कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत बहुत पॉपुलर लेरिक है स्टॉपिंग वाई वुड तो so, स्टूडेंट्स आप उसमें देखेंगे कि बहुत कॉमन और सिंपल लैंग्वेज यूज हुई है हर बंदा उसे समझ सकता है सेकेंड इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स ये कि इसमें ब्रेविटी होती है ब्रेविटी का क्या मतलब है ब्रेविटी का मतलब है कि स्टूडेंट्स ज्यादा लॉन्ग ना हो बल्कि शॉर्ट होनी चाहिए बिकॉज बिकॉज लिरिक मीन टू बी संग एंड इट इज अ सॉन्ग बाई कॉमन पीपल फॉर कॉमन पीपल यानी कि एक सॉन्ग होता है ना ये तो कॉमन बंदा कॉमन बंदे के लिए एक सॉन्ग लिख रहा है और ये एक्चुअली यू कैन से कि इसको गाया जाता है लिरिक को और सॉन्ग अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा तो उसमें चाम नहीं रहता है और उसके बाद थर्ड इसका से फीचर जो है वो स्टूडेंट्स ये है इसकी म्यूजिकलिटी म्यूजिक music होना चाहिए इसमें क्योंकि स्टूडेंट्स एशियंट टाइम्स में लिरिक्स फॉर मीन टू बी संग तो गाने के लिए जो लिखा जाता है स्टूडेंट्स उसमें म्यूज़िकल क्वालिटी होना तो ज़रूरी होती है तो म्यूज़िकल क्वालिटी क्रिएट करने के लिए एक लिरिक में राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एलिट्रेशन यूज़ की जाती है तो बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस के थ्रू जो है इसमें म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट मीटर्स यूज़ किए जाते हैं और स्टूडेंट्स लिरिकल पोइट्री में एक्चुअली ज़्यादातर चार मीटर्स यूज़ किए जाते हैं और यही चार मीटर्स जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कॉमन मीटर्स हैं आईम्बिक मीटर ट्रॉकी एनापेस्ट और डेक्टाइल ये चार मीटर्स जो हैं वो लिरिकल पोएट्री में यूज़ किए जाते हैं जी स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर पे आती है सब्जेक्टिविटी लिरिक एक सब्जेक्टिव पोएम होती है ठीक है सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स लिरिकल पोएट्री में सब पर्सनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं पोइट अपने पर्सनल जज्बात का इजहार करता है और यही चीज लीरिक को एक सब्जेक्टिव पोइम बनाती है स्टूडेंट्स इस ये इस तरह की जो पोइट्री होती है आई I मीन mean के जो लिरिक होता है उसमें पोइट आमतौर पर आई माई के वर्ड्स यूज़ करता है ठीक है और स्टूडेंट्स uh, इसके बाद ये कि इसमें इमोशंस की इंटेंसिटी जो है वो डिस्क्राइब uh, की जाती है ठीक है स्टूडेंट्स एंड सिक्स नंबर पे ये कि इसमें स्टूडेंट्स सिंगल आइडिया प्रेजेंट किया जाता है ठीक है सिंगल आइडिया प्रेजेंट किया जाता है यानी कि सिंगल इमोशन प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये शॉर्ट होती है और पॉइट के पास ज़्यादा स्कोप नहीं होता है इसलिए सिंगल इमोशन्स या आइडिया को फोकस किया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स इसमें कॉमन थीम जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो लव वॉर फ्रेंडशिप या ग्रीफ या नेचर वगैरह को फोकस किया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स और लिरिक जो है वो ज्यादा से ज़्यादा दस से लेकर थर्टी लाइन्स टेंथ टू थर्टी लाइन्स का हो सकता है यानी कि मिनिमम टेन लाइन्स और मैक्सिमम थर्टी लाइन्स में ये लिरिकल पोएम जो है वो लिखी जाती है इसलिए इतनी सी लाइन्स में सिर्फ एक सिंगल आइडिया का स्कोप ही होता है पोइट के पास फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सोनेट जो कि लिरिकल पोइट्री की ही एक टाइप है सोनेट में सिर्फ फोर्टीन लाइन्स होती हैं ठीक है थीके? आ, और लिरिकल में स्टूडेंट्स पहला स्टैंडसा जो होता है उसमें आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मिडल में इसकी डेवलपमेंट होती है और लास्ट एंसा में कंक्लूजन होता है ठीक है या ये कह लें कि जो फर्स्ट एंसा में प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाई जाती है या थीम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसका रेजोल्यूशन होता है लास्ट एंसा में ठीक है स्टूडेंट्स जैसे कि वर्ड्स की पोएम डाफोडिल्स है उसकी अगर हम फर्स्ट लाइन्स देखें तो स्टूडेंट्स वर्स वर्थ अपनी लोनलीनेस को एक्सप्रेस करता है फर्स्ट इसकी फर्स्ट लाइन्स में लेकिन जब हम लास्ट लाइन्स पढ़ते हैं तो इसकी प्रॉब्लम्स को यानी कि इसकी लोनलीनेस को की रेजोल्यूशन को सजेस्ट करती हैं ठीक है कैसो एंड so पे जो है वो पोइट की लोनलीनेस ख़त्म हो जाती है और उसका हार्ट जो है वो डेफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है ठीक है स्टूडेंट्स इसी इस तरह से लिरिकल पोइट्री में जो है वो स्टार्ट के स्टानसा में प्रॉब्लम और उसके बाद नेक्स्ट में डेवलपमेंट uh, और लास्ट में रेजोल्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है पोइट सेकंड uh, जो टाइप है सब्जेक्टिव uh, पोइट्री की स्टूडेंट्स वो है एलिजी एलिजी स्टूडेंट्स एक स्पेशल किस्म का लिरिक होता है इसमें भी पोइट अपने ताती जज्बात का इजहार करता है लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है स्टूडेंट्स कि इसमें गम अफसोस या मायूसी की जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है स्टूडें यू कैन से कि ये एक किस्म का नोहा होता है ठीक है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ होता है ज़्यादातर एल में स्टूडेंट्स एक डेथ ज़्यादातर जो एल होती हैं वो एक डेथ सॉन्ग होता है यानी कि किसी की डेथ पर गम का इज़हार किया जाता है सो स्टूडेंट्स एल एक ऐसी पोइम होती है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है और उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है लेकिन स्टूडेंट्स हॉटसन का कहना है कि एलिजी को अक्सर डेथ तक लिमिट कर लिमिटेड कर दिया जाता है मगर इसके डेथ के अलावा भी बहुत सारी यू कैन से के सॉरोफुल इवेंट्स होते हैं जिंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लव के खो जाने पे भी अफसोस होता है उस पर भी गम का इजहार किया जा सकता है और डेफिनेटली प्यार कभी मरता तो नहीं है इसलिए एलिजी के मीनिंग्स को डेथ तक महदूद कर देना गलत है ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर अली जो है वो डेथ पर लिखी जाती हैं जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जाता है मरने वाले को और पोइट अपने गम को भी एक्सप्रेस करता है ठीक है और स्टूडेंट्स एलिज़ी जो है वो कपलेट फॉर्म में लिखी जाती है कपलेट यानी कि टू लाइंस का स्टांसर होता है दो लाइंस होती हैं जिसको कपलेट कहते हैं राइम्ड लाइंस और स्टूडेंट्स एलिज़ी की और स्पेशल फीचर ये है कि एलिज़ी एक पोइट के पर्सनल ग्रीफ ग्रीफ का एक्सप्रेशन तो होता है लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स पोइट अपने पर्सनल ग्रीफ से स्टार्ट लेकर ह्यूमन लाइफ की सफरिंग्स को डिपिक्ट करता हुआ नजर आता है ठीक है समटाइम्स डेथ सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उससे पोइट बहुत सारे दूसरे थीम्स को लॉन्च करता हुआ नजर आता है मसलन टेनिसन की एलिजी इन मेमोरियम जो है बड़ी फेमस एल है और स्टूडेंट्स टेनिसन ने ये अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड आर्थर हैलम की डेथ पर आ, अपने पर्सनल ग्रीफ के एक्सप्रेशन के लिए लिखी लेकिन स्टूडेंट्स ये ह्यूमन लाइफ की फ्यूटिलिटी और प्रॉब्लम्स prob, को भी कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है तो कैन से कि पर्टिकुलरली इसमें सिर्फ डेथ को डिस्कस नहीं किया जाता डेथ को एक के आ, उस पर ग्रीफ का को एक्सप्रेस नहीं किया जाता उससे रिलेट करके इंसान की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है यानी कि डेथ एक सिर्फ सर्टन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उससे पॉइंट बहुत सारे थीम्स मजीद थीम्स लॉन्च करता हुआ नज़र आता है ठीक है स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये डब्ल्यू बी ईड्स की एलिजी है विद द फार्मिंग ऑफ अ वर्स

लाइंस uh, जो हैं एक दूसरे से राइम्ड हैं और स्टूडेंट्स इससे हमें एक और बात पता चलती है कि एलई जो है वो ग्रीफ से स्टार्ट होती है और सोलेस पे एंड होती है ठीक है देखें इसकी फर्स्ट टू लाइंस देखें विद द फार्मिंग ऑफ अ वर्स मेक अ वाइन यार्ड ऑफ द कर्स और एंड पे हम लोग देखते हैं इन द प्रिजन ऑफ इस डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेस यानी कि स्टार्ट होती है और सोलेस पे एंड होती है और ये कपलेट फॉर्म में लिखी जाती है और स्टूडेंट जो थर्ड फॉर्म है सब्जेक्टिव पोइट्री की वो है ऑड्स ऑर्ड भी लिरिकल पोइट्री की एक काइंड है और ये स्पेशल लिरिक है इसकी स्टार्टिंग भी स्टूडेंट्स एंशियंट ग्रीक में हुई और सबसे पहला जो ग्रीक पोइट है पिंदर इसनेट्स लिखे और बाद में स्टूडेंट्स रोमन पोइट हॉरेस ने इसे फॉलो किया और एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सॉन्ग ग्रीक में ये वर्ड किसी भी सॉन्ग के लिए यूज किया जाता था जो कि डांस के साथ गाया जाता था मगर स्टूडेंट्स आप इंग्लिश लिटरेचर में और एक ऐसी लिरिकल पोएम है जिसमें पोइट की पोइट किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है ठीक है ये एक एड्रेसिंग पोएम होती है किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है और ज़्यादातर ये कोई एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट या क्वालिटी होती है जिसको एड्रेस किया जाता है मगर ये ज़रूरी भी नहीं है कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है स्टूडेंट्स ये और ये किस लिए लिखी जाती है स्टूडेंट्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए उसकी तारीफ करने के लिए लिखी ये इस तरह की पोइम लिखी जाती है जैसे कीट्स uh, के हम जॉन uh, कीट्स के ऑर्ड्स देखें ऑट टू नाइटिंग गेल जिसमें वो नाइटिंग गेल को ग्लोरीफाई करता है और टू आटम जिसमें वो आटम की डिस्क्रिप्शन uh, देता है उसकी खूबसूरती बयान करता है उसको ग्लोरीफाई करता है तो स्टूडेंट्स ये एड्रेसिंग फॉर्म में लिखी जाती है किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है और मकसद क्या होता है उस ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करना ठीक है स्टूडेंट्स और और स्टूडेंट्स एक ऑड का थीम जो होता है वो डिग्निफाइड थीम होता है इसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस पाई जाती है किसी तरह के लूज एलिमेंट्स हमें नजर नहीं आते स्टूडेंट्स ऑड्स की दो टाइप्स हैं फर्दर एक पिंडारिक ऑर्ड और दूसरा हॉरेशन ऑर्ड पिंड और जो है वो सबसे ज़्यादा एनशियट टाइप है ओड की इसका जो नाम है वो एनशियट ग्रीक पोइट के नाम पे है स्टूडेंट्स और इस ओड की खास बात यह है कि इसमें म्यूजिकलिटी होती थी और म्यूज़िक होता था डांस भी होता था और ये इसका जो इसमें जिस जो सब्जेक्ट मैटर होता था स्टूडेंट्स वो आ, किसी भी विक्ट्री की सेलिब्रेशन के लिए लिखा जाता था और स्टूडेंट्स इसकी फॉर्म क्या थी इसके तीन स्टैंडस होते हैं और इन तीनों स्टैंडस को स्ट्रॉफी एंटी स्ट्राफी और इपोर्ट कहा जाता है ठीक है और स्टूडेंट्स कीट्स की जितनी भी पोएम्स हैं जितने भी ऑर्ड्स हैं स्पेशली ऑड टू आटम पोएम है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हुई नजर आती है इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा यू कैन से कि इनडायरेक्ट ऑर्ड को फॉलो किया जाता है और स्टूडेंट्स द देंड टाइप ऑफ ऑर्ड इज़ हॉरेशन ऑर्ड ये जो ऑर्ड है ये लेटिन पोइट हॉरेस के नाम पर है और इस ऑर्ड में स्टूडेंट्स uh, जो फॉर्म जिस फॉर्म को फॉलो किया जाता है वो कॉड्रेंड्स हैं और कपलेट्स हैं क्वार्टर स्टूडेंट्स कपलेट्स का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टू लाइंस का स्टैंडा होता है क्वार्रेंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स फोर लाइन का स्टैंडा होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था ऑड के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे सोनेट के बारे में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सोनेट भी लिरिकल पोइट्री की एक फॉर्म है एज वी आर डिस्कसिंग लिरिकल पोएट्री तो ये भी एक लिरिकल पोइट्री की फॉर्म है मगर सोनेट में और दूसरे लिरिक्स में डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स सोनेट बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट किस्म के स्ट्रक्चर को रूल्स को फॉलो करके लिखा जाता है ये फोर्टीन लाइंस की पोएम होती है और स्टूडेंट्स सोनेट की वर्ड की एटमोलॉजी को अगर हम लोग जानना जाने तो सोनेट का वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है ये सोनेटो से निकला है जिसका मतलब है साउंड सोनेट सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है वो इटालियन पोइट पेट्रार्क ने यूज किए और इसने सोनेट अपनी बिलवड लौरा के लिए लिखे थे जिसमें उसने लॉरा के लिए अपने लव को एक्सप्रेस किया था सोनेट इज यू कैन से सोनेट इज अ लव पोएम ठीक है इसमें ज्यादातर जो है वो थीम लव का थीम होता है स्टूडेंट्स सोनेट की 14 लाइन 14 लाइन्स होती हैं और ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है ठीक है आइएबिक पेंटामीटर का मतलब है कि ये हर लाइन में पांच आई होते हैं और दस सेलेबल्स होते हैं और एक आई एम में हमेशा स्टूडेंट्स दो सेलेबल्स होते हैं जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है ठीक है तो जो सोनेट है वो आएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है यानी कि एक लाइन में दस सेलेबल्स होते हैं फ्रेंड्स पेट्रार्क ने सोनेट को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है यानी कि पहला हिस्सा जो है इसके दो पार्ट्स पेट्रार्क के अकॉर्ड जो पेट्रार्किन सोनेट है उसके दो पार्ट्स होते हैं पहला हिस्सा जो है वो ऑक्टेव कहलाता है जिसमें आठ लाइनें होती हैं और दूसरा हिस्सा जो है वो सेसट कहलाता है जिसमें छः लाइनें होती हैं तो मिला के ये टोटल ये फोर्टीन लाइंस बनती हैं और स्टूडेंट्स एज फॉर एज इंग्लिश लिटरेचर इज़ कंसर्न इंग्लैंड में सोनेट सबसे पहले सर थॉमस वाइट ने लिखा और उसके बाद उनके कंटेम्प्रेरी हैंनरी हॉवर्ड जिनको अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है इन्होंने इसको मज़ीद पॉलिश फॉर्म में लिखा मज़ीद इसको ग्लोरीफाई किया तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव पोइट्री और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव पोइट्री और इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़